उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में श्री राम जानकी हनुमान धाम में श्री बांके बिहारी सरकार जब से विराजित हुए हैं तब से ही भक्तों की भारी भीड़ प्रतिदिन उनके दर्शन करने के लिए यहां उमड़ती है। आपको बताते चलें कि श्री राम जानकी हनुमत धाम में लगभग 1.25 साल से भोलेनाथ विराजमान है। इनके बाद दिव्य राघव सरकार विराजमान हुए और जल्द ही बांके बिहारी सरकार विराजित हुए हैं। बड़ी ही संख्या में श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन यहां आते हैं। बिहारी जी के भक्तों का कहना है और ऐसा मानना है कि हरदोई जनपद में बिहारी जी का अन्य कोई मंदिर नहीं है, हरदोई वासियों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है तथा बिहारी जी की कृपा है। बहुत ही सहज में सुगमता से उनके दर्शन किए जा सकते हैं। जो लोग वृंदावन नहीं जा सकते हैं उनके लिए बहुत ही सुगम व सहजता से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं ओम श्री क्लीं देव वेदांग पारगा। अगर आप यहाँ पे आओगे श्री भोलेनाथ जी, श्री विश्वनाथ जी और हमारे राघव सरकार हैं और बिहारी जी भी अब तो वृंदावन से पधारे हैं, तो आपको अपने आप ही स्वतः ही सब शास्त्रन को और ज्ञान होगा और आपके घर में भी सुख शांति की वृद्धि होगी और बड़े आनंद से जीवन व्यतीत होगा। ये भैया हम अपना अनुभव बता रहे हैं। हमारा पूरा जीवन बड़े आनंद में बीता है और जहाँ भी गए हैं वहीं भोलेनाथ की शरण मिल गई और अब तो राघव सरकार भी और बड़ी दूर दूर से यहाँ बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं। बड़ा आनंद आवे यहाँ सुबह शाम आप मंदिर में पधारो। ये मंगलीपुरवा फाटक श्री राम जानकी हनुमत धाम में आपको बहुत आनंद आएगा। अगर जरा भी भक्ति भाव आपके अंदर जागृत है तो यहाँ के बराबर आनंद आपको पूरे हरदोई में कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारा विश्वास है और आए के देखो तो बड़ो आनंद ही आनंद है। जय जय श्री राम। ये जो है श्री राम जानकी हनुमत धाम में बिहारी जी विराजमान हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर श्री दयाल सिंह विद्यालय में स्थित श्री राम जानकी हनुमत धाम में वृंदावन से पधारे हुए हमारे बांके बिहारी सरकार जी का जो प्राकट्य हुआ है, जो यहाँ पर इनका विग्रह का दर्शन हो रहा है, वह आपको जनपद के आसपास कहीं भी आपके ये दर्शन सुलभ नहीं हो सकते हैं। जैसा कि हमने सुना है कि अन्य जनपदों में हमारे जितने भी पड़ोसी जनपद हैं उनमें बिहारी जी का दर्शन, बिहारी जी का वहाँ पर विग्रह नहीं है स्थापित है, तो ऐसी स्थिति में वृंदावन से आकर के जो वृंदावन नहीं जा सकते हैं ऐसे बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए लोग जो हैं यहाँ पर आएं और अपने सुख शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें और यहाँ बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही सुगमता से, सहजता से ही समस्त देवताओं के दर्शन यहाँ पर एक जगह एक शांत एक साथ ही यहाँ पर कर सकते हैं और अपने परिवार को सुख और समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। ऐसा मेरा स्वयं विश्वास है और जो भी यहाँ आता है उसके समस्त पाप ताप संताप जो है वो दूर हो जाते हैं। ऐसा अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।